What's up guys, this is Ashish Thakur from Pet Minds Army. So guys, कैसे हैं आप सभी? So आज हम जो बात करने वाले guys, वो मास गेनर्स के ऊपर बात करने वाले. थंबनेल आप ऑलरेडी देख चुके हो guys, हवा बहुत अच्छी चल रही, तो सोचा चलो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक बता ही दे guys. तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. मेक श्योर इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस टाइम लेना चाहिए, प्रोटीन लेने क्या मास गेनर्स लेने से हम नपुंसक हो जाएंगे, क्योंकि एक कमेंट आया था मेरे पास में, तो सोचा इस वीडियो इस टॉपिक पर वीडियो क्रिएट किया जाए. तो काफ़ी सारे ऐसे सवाल है जो मैंने देखे मेरे चैनल के ऊपर कमेंट सेक्शन में, तो इसी को लेकर के आज मैं आपको एक मास गेनर्स का ये जो मिथ है या नहीं है उसको क्लियर अच्छे से क्लियर करना है, उस डाउट को क्लियर करना है. तो बने रहना गाइज इस वीडियो के साथ में. मेक श्योर टू, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन. और जो भी सवाल हो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर पूछा करो. सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट अल्फा आशीष. सो गाइज आज जो हम बात करने वाले हैं वो मास गेनर्स के ऊपर करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मास गेनर्स होते क्या, तो मास गेनर्स क्या है, किसको लेने चाहिए, तो ये जो पहले जो दो पॉइंट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ. सबसे पहले गाइस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो, बहुत ज़्यादा इतने स्किनी हो कि यू नो गाइस आपके जो हाथ है वो हाथ का साइज ये है, ये यू नो गाइस ये अगर आपके हाथ का साइज़ है, तो ध्यान रखिए गाइस इस चीज़ को. सबसे पहले तो आपको ये जो बॉडी पोजिशन होती है इसको आप स्किनी कह सकते हैं, लेकिन एक और बात होती है, ये बिल्कुल नेचुरल बॉडी होती है. मास गेनर्स के बाद में आपकी बॉडी अननेचुरल तरीके से फूलती जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा मिथ है कि जैसे हम मास गेनर्स छोड़ते हैं हमारी बॉडी उसी पोजीशन पे आ जाती है, तो ऐसा नहीं होता है. मैं इसके बारे में भी आपको बात करूंगा. वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए थोड़ा माफ़ करना, लेकिन हाँ वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, सारे मिथ क्लियर हो जाएंगे मास गेनर्स के बारे में. तो क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मास गेनर्स के ऊपर, मैंने भी बहुत ज़्यादा स्किनी हुआ करता था, मैं 40 किलो का हुआ करता था, आज मैं 96 केजी का हूँ. तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे कुछ कह सकते हैं अच्छे अच्छे मैंने सप्लीमेंट्स लिए हैं, उनके ऊपर अपने ऊपर ट्राई भी किया है. तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसको मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. तो प्लीज़ वीडियो के साथ में एंड तक बने रहना. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर आप बिल्कुल ज़्यादा स्किनी हो, आपका वेट नहीं बढ़ पा रहा, आपकी डाइट यानी कि आपकी जो सुबह का लंच है, आपका ब्रेकफास्ट है, झद मार के एक रोटी है, अगर आप लोअर क्लास लोअर मिडिल क्लास से आप अगर या फिर बिल्कुल लोअर क्लास से अगर आप करते हो बिलोंग करते हो, तो गाइज अगर आपके नाश्ते में भी अगर आप रोटी खा रहे हो, हम भी खाते थे डोंट वरी, हम भी खाते थे वो रोटी, लेकिन हमारी रोटी में हम जैसे ही बनाते थे वो खा लेते थे गाइस. आजकल के युवा को मतलब यंगस्टर्स को ये चाहिए कि हाँ हमें सुबह सुबह ये ब्रेड चाहिए, ये चाहिए, और खर्चा करने में अनशंड वो 3 महीना खर्चा करेंगे और 4th महीने फिर वो का वही आपका पोजिशन आ जाएगा कि आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, लेट उठना, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, जिसके चलते आपका वेट फिर से लॉस हो जाता है. कैसे होता है आगे बात करेंगे गाइस. तो सुबह सुबह अगर आप एक रोटी खा रहे हैं नाश्ते में, या ब्रेड खा रहे हैं, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, पीनट बटर, मूंगफली, चने, भीगे हुए चने, भीगी हुई मूंगफली, भीगे हुए मूंग, भीगे हुए काबुली चने यानी छोले, अगर आप ये सब चीज़ें खा रहे हैं, और उसके बाद कितने खा रहे हैं, सबसे पहले तो क्वांटिटी डिपेंड करती है. अगर आप एक मुट्ठी खा रहे हैं या आपने खा भी ली, चलिए मैं आप सपोज करते हैं आपने खा लिए सारी चीज़ें, अब आपको भूख नहीं लग रही, ठीक है, और भूख लग भी गई, तो उससे पहले आपका एक बार आप वॉशरूम यानी कि फ्लश करके आएंगे, अच्छा खासा जो खाया है वो पूरा निकाल के आएंगे आप. इसका रीज़न ये होता है गाइस, जो हमारी आंतड़ियाँ होती है या हमारी जो रिब्स होती है वो हमारी एक पोजीशन पे बैठी रहती है. अगर हम 40 किलो 50 किलो की, तो हमारी रिब्स इस पोजीशन पे बैठी हुई रहती है. तो ऐसा अक्सर होता है. अगर आज से करीब कई साल पहले जब मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक सरदार जी हमारे यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो, ठीक है ना, तो दमन सिंह पाजी नाम है उनका, उन्होंने अपने एक वीडियो में एक बात कही थी गाइज. तो मैं इस वीडियो को काफ़ी ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ. मैं अब मोस्टली उनको ही देखता था, मैं गुरु मां जीत सलाल इन सबका नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैं इनको नहीं देखता था, मैं अपने पाजी को देखता था. उन पाजी को देख के ही मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट रहता था, और उन्हीं को देखते हुए मैंने उनकी डाइट चार्ट चलाई थी मैंने. हालाँकि कुछ ऐसी सीन्स हुए थे इसके बाद मैंने फिर देखना बंद कर दिया था उनको, लेकिन हाँ फिर भी आज भी मेरे वो एक तरह से कह सकते हैं कि डाइट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मैं उनको ही देखता था. तो उन्होंने अपने एक वीडियो में अपने एक बात कही थी गाइस कि अगर आपकी आंतड़ियाँ, अगर आपके रिप्स अगर आपके छोटे हैं, ठीक है ना, उसको फूलने में टाइम लगता है. अक्सर ऐसा होगा आप खाओगे जाओगे कहाँ जाओगे, फ्लश करने, खाओगे फ्लश, ये प्रोसेस जो है आपका एक टाइम तक चलेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना. कब तक? 1 साल तक.
उन्होंने एक बात बोली थी, एक साल तक आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा, आप खाओगे जाओगे वर्कआउट करोगे, अब फिर से वो खाना आपका फ्लश होने के लिए मांगेगा, तो ये एक साल तक आपका प्रोसेस चलता रहेगा गाइस। एक साल बाद कहीं जाके आपकी बॉडी में वो खाना टिकने लग जाएगा। शायद मैं ज़्यादा भी बोल दिया, एक साल कुछ के 7 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, लेकिन आपकी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए उसके अंदर। यानी आप पूरे दिन में आपकी 3 से 4 मील होनी चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 3 से 4 तो मील तो वैसे ही हो जाती है, अगर आप ब्रेकफास्ट ले, लंच ले, डिनर ले तो, लेकिन यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ 3 से 4, उसमें हैवी डिनर, हैवी आपको डाइट लेनी है, तो इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसलिए ऐसा होगा गाइस आपके साथ में कि आपकी आप खाओगे और जाओगे, तो ये एक साल आपका एक प्रोसेस लगेगा, या एक साल से कम भी लग सकता है, एक साल से ज़्यादा भी लग सकता है, उस टाइम तक जब तक आपकी रिप्स पूरी तरह से खुल ना जाए, उसके अंदर खाना प्रॉपर सेट ना होना है, क्योंकि आपको डाइट एकदम ज़्यादा लेनी पड़ेगी। 3 से 4 डाइट बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है आपको लंच हैवी होना चाहिए, डिनर हैवी होना चाहिए, आपका ब्रेकफास्ट भी हैवी होना चाहिए। जब ये तीनों आपके साथ में सेट होने लग जाता है, तब आपकी 7 से 8 मील भी हो सकती है, जिसमें आपका शेक भी हो सकता है, आपके छोटे मोटे स्नैक्स हो सकते हैं, तो उसको भी हम मील में काउंट करेंगे। तो इसलिए गाइज ये सीन होता है, अगर ये सब नहीं होता है तब जाके हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है, हमें ओवर कैलरीज चाहिए जो हम डाइट से नहीं ले पा रहे, डाइट हमारी 2 या 3 ही हो रही है, तो हम एक बनाना शेक के साथ में मास गेनर ले सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्किनी है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्किनी है तब उस सिचुएशन में हमें मास गेनर लेना अनिवार्य इसलिए हो जाता है, क्योंकि अगर आप प्रोटीन की तरफ जाओगे, प्रोटीन इज़ अ सेफेस्ट सप्लीमेंट, मास गेनर इज़ अ सेफेस्ट सप्लीमेंट, लेकिन क्या होता है कुछ लोगों ने यहाँ पर बोल रखा है यूट्यूब पर कि इतना मास गेनर लेने से अच्छा आप शक्कर खा लो, रोटियाँ ज़्यादा खा लो, नहीं खाई जाती भाई, नहीं खाई जाती, ठीक है ना, वो खुद भी जानते हैं कि नहीं खाई जाती, इसलिए मास गेनर्स हम लेते हैं, ठीक है। तो मास गेनर्स आपको इसी सिचुएशन में लेना है, इसी पोजीशन पे लेना है, जब आपसे रोटी आपकी पूरी तरह से खाई ना जा रही हो, तब जाकर के आप 3 टाइम शेक चला सकते हो, ठीक है ना। ये आपका पहला पॉइंट कवर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट किसको लेना चाहिए वो भी आपका कवर हो गया, स्किनी जो है। थर्ड पॉइंट, इंटरमीडिएट ले सकते हैं, ले सकते हैं इंटरमीडिएट गाइस, तब ले सकते हैं जब आपका गोल ऐसा हो कि आपको बल्किंग के साथ में कटिंग भी करनी हो, तो मास गेनर के साथ में आपको प्रोटीन लेना अनिवार्य, यानी कि बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है गाइस, ताकि आपके बल्किंग और कटिंग दोनों एक साथ बढ़े, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट गाइस, कि अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे टेस्टिकल्स ड्रॉप हो जाते हैं। बात तो बिल्कुल सही है गाइस कि टेस्टिकल्स हमारे ड्रॉप होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी डाइट कितनी ज़्यादा कॉन्स्टेंट है, कंसिस्टेंट डाइट है हमारी, जिसमें हमारा वेज और नॉन वेज दोनों प्रेफर करते हैं, दोनों ऑप्शनल में आते हैं, आपकी हफ्ते की कितनी अच्छी डाइट है, हफ्ते की कितनी अच्छी डाइट नहीं है। अगर आप हफ्ते में 4 बार चिकन खा रहे हैं तो या फिर वेजिटेरियन, तो रोज़ का पनीर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, पनीर के अलावा आपने जो मैंने आपको फर्स्ट में बोला था चने मूंग दाल, ये सब आप अफोर्ड कर पा रहे नहीं पा रहे खाने के लिए, आपका पेट अफोर्ड कर पा रहा है नहीं पा रहा, तो ये ज़्यादा डिपेंड करता है आपके टेस्टिकल्स ड्रॉप सिचुएशन और आप सिचुएशंस के अंदर, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। टेस्टिकल्स ड्रॉप होंगे बट आपका टी लेवल किसी भी एंगल से हिट नहीं होता, टी लेवल एज इट इज वैसा का वैसा ही रहता है, चाहे मास गेनर ले, प्रोटीन ले, क्रिएटिन ले, BCAA, EAA ले, कोई सब सप्लीमेंट ले। तो ये एक मिथ है कि आप नपुंसक बन जाएंगे, आप बाप नहीं बन सकते, आपके बच्चे नहीं होंगे। देखिए मास गेनर एक कैलरी गेनर से, ठीक है, जिसमें आपकी कैलरीज को आप ज़्यादा इनटेक करने के चक्कर में आप मास गेनर लेते हैं, दैट्स नॉट अ स्टेरॉयड, ये एक तरह का किसी भी प्रकार का दैट्स नॉट काइंड ऑफ स्टेरॉयड, ये किसी भी तरह का स्टेरॉयड नहीं है, ये एक मास गेनर है। प्रोटीन आप कटिंग्स के लिए लेते हैं, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़े इसलिए आप प्रोटीन लिया जाता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा एक पॉइंट और है गाइस कि मुझे अक्सर लोगों ने कमेंट किया है कि हम गाय भैंस है क्या, तो 4 से 5 लीटर पानी पिए हमारे निप्पल फट जाएंगे ये वो, तो ऐसे बेवकूफ़ जैसे कमेंट करने से पहले आप गूगल कर सकते हैं, गूगल बाबा से पूछ सकते हैं। पानी पीना हमारे लिए इतना मस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमने लिया है वो हम यूरिन के साथ में निकालते जाए, जो हमने लिया है वो हमारे यूरिन के साथ निकालते जाए। हमारे यूरिन जितना ट्रांसपेरेंट होगा हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा फिल्टर्ड प्रोसेस में काम करेगी, तो इस बात का आप ध्यान रखें। मैं साइंस की तरफ ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि मोस्टली लोग साइंस की तरफ जाने पर बोर होते हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा जितना ज़्यादा आपका ट्रांसपेरेंट होगा यूरिन उतना ज़्यादा आपकी बॉडी फिल्टर प्रोसेस अच्छा चलेगा। वाटर इनटेक आपका अच्छा खासा तभी रहेगा जब आपका बॉडी होल्ड करने लग जाएगी वाटर को, अगर आपकी बॉडी होल्ड नहीं कर रही वाटर को तो दैट्स नॉट काइंड ऑफ एनी चांसेस कि आपका बॉडी वेट गेन होगा या नहीं होगा। उसका रीज़न ये होता है अगर आप पी रहे हो और वो निकल रहा है,
ठीक है ना, ठीक है, वो फिल्टर अच्छा कर रहा है लेकिन आपकी बॉडी के अंदर वो वाटर जो है, वाटर रेसिस्टेंस, वो होल्ड नहीं कर पा रहा। तो मेक श्योर आपको सबसे पहले अच्छा सा डाइट लेनी है, कार्डियो अच्छे से करना है, क्योंकि कार्डियो मोस्टली स्किनीज को ये कहा जाता है कि कार्डियो मत करो या एप्स मत करो। भैया हफ्ते में 2 बार एप्स करा करो, 2 से 3 बार, उसके अलावा 2 से 3 बार आप कार्डियो करा करो। सिर्फ साइकिलिंग कर रहे हो तो साइकिलिंग करो, अगर आप स्विमिंग करते हो स्विमिंग करो, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो खेलो। उसका रीज़न होता है आपकी बॉडी को गेन करने में सबसे ज़्यादा फायदेमंद ही कार्डियो होता है, स्किन के लिए मैं खास तौर पर कह रहा हूँ। तो ये गाइस मास गेनर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिथ था। अब कौन सी ब्रांड का ले कौन सी नहीं ले, तो सबसे अच्छे अच्छे ब्रांड के बहुत सारे हैं, लबराडा, GNC और भी कई सारे अच्छे अच्छे ब्रांड से, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि जो मोस्टली मैं ये ब्रांड लेता हूँ मैं उन्हीं के बारे में आपको बता दिया। ये मैं ऑफ सीजन्स के अंदर लेता हूँ ना कि ऑन सीजन्स, यानी कि ऑन सीजन्स का मतलब ये होता है कि मैं प्रॉपर जब मेरा वर्कआउट चल रहा है मैं कटिंग्स के तौर पर तब मैं नहीं लेता हूँ, जब मैं बिल्कुल कह सकते हैं कि बल्किंग पर आ गया हूँ या फिर बहुत ज़्यादा बल्किंग करनी है या मेरा वेट लॉस हो रहा है, अगर मैं बीमार हो रहा हूँ तब मैं सिचुएशंस में या फिर मेरे जॉब ज़्यादा चल रही है तब मैं अपना कैलोरी इनटेक को प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए तभी मैं लेता हूँ सिर्फ मास गेनर्स। उसके साथ में प्रोटीन इनटेक लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेसेसरी मेरे लिए। तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मार्केट में आपके बहुत तरह के मास गेनर्स है, मेक श्योर आपको वही मास गेनर्स लेने हैं जो कि सबसे ज़्यादा कह सकते हैं बिगिनर सिचुएशंस के होते हैं, बिगिनर्स कंडीशंस के होते हैं, वही आपको मास गेनर स्टार्ट करने हैं, ना कि आपको बड़े ब्रांड्स पे जाना है। जितना ज़्यादा बड़े ब्रांड्स लोगे उतना ज़्यादा आपके ब्लॉटिंग फील कराएगा, ब्लॉटिंग में आपके वॉमिट भी हो सकती है। और मेक श्योर आपको जो बनाना शेक बनेगा वो आपको एक केले के साथ में बनेगा, ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छे से खाने हैं जितना हो सके, हफ्ते में 2 से 3 बार आपको चिकन जरूर अफोर्ड करना है अपने पेट के लिए, नॉट फॉर योर मनी, पेट के लिए अफोर्ड करना है, ठीक है गाइस। तो इसका आप अच्छे से ध्यान रखें। सारे मास गेनर्स आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिए थंबनेल के अंदर, सो मेक श्योर गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, साइन ऑफ।